नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। उद्यम सिंह नगर में मुख्यमंत्री की घोषणा पर प्रदेश में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के प्राग फार्म में 65 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और चिन्हित जमीन का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज रुद्रपुर में बनना प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ एक साथ 100 एकड़ जमीन नहीं मिल सकी थी। वहीं अब प्रस्तावित योजना में कॉलेज के साथ ही परिसर में 100 से अधिक बालिकाओं के रहने के लिए हॉस्टल भी बनेगा। बालिकाओं के ट्रायल के बाद कक्षा 6 से कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा। उद्यम सिंह नगर से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। मंत्री जी की घोषणा में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए उपयुक्त स्थल का चयन की आवश्यकता थी, उसी घोषणा के क्रम में ये उपयुक्त जमीन चयनित की गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर रचपुरा गांव में प्रयाग फार्म की जमीन है, तो वहाँ 65 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। इसमें स्पोर्ट्स कॉलेज जैसा नाम से स्पष्ट है वो बनेगा, उसके साथ ही हॉस्टल्स और अन्य कोई गतिविधियों के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार जो है भूमि चिन्हित की गई है और पर्याप्त भूमि है, उपयुक्त स्थान पर है, तो उसका चयन करके अग्रिम कार्रवाई तो ऊपर भेजा गया है। उत्तराखंड चमोली के खन्नी और भदोरा में ग्राम प्रधान के उपचुनाव मतगणना पूर्ण हो चुकी है। इसमें भदोरा से सुनीता देवी और खन्नी से बीना देवी ग्राम प्रधान बनी। वहीं उपचुनाव में खन्नी में बीना देवी को 164 और लता देवी को 124 वोट मिले। वहीं भदोरा में पूनम देवी को 51 और सुनीता देवी को 81 मत मिले। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। नागपुर पोखरी में भदूड़ा और खन्नी में निर्वाचन हुआ, जिसमें भदूड़ा में जो है दो उम्मीदवार थे, पूनम देवी, इनको 51 वोट पड़े हैं और सुनीता देवी को 81 वोट पड़े हैं। कुल 136 वोट पड़े हैं, उनमें से 4 जो है रद्द किए गए। वो सुनीता देवी यहाँ विजयी हुई हैं 30 वोटों से। अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने नैनीताल के गांधी पार्क में सत्याग्रह कर योजना को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान विधायक संजीव आर्य ने कहा कि सेना में प्रत्येक 100 जवान में एक उत्तराखंड से होता है और जब 12 अफसर बनते हैं तो एक उत्तराखंड से होता है। कितने समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग की जाती रही है, लेकिन एक और माने तो ये 9 रैंक 9 पेंशन है, जो कि सरकार का युवाओं के साथ किया गया छलावा है। सरकार को इस योजना को वापस लेना होगा। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। सेना में प्रत्येक 100 जवान में एक उत्तराखंड से होता है और जब 12 अफसर बनते हैं तो एक उत्तराखंड से अफसर बनता है। और हमने देखा पूरे देश में लगातार वन रैंक वन पेंशन की मांग उठती आई है, लेकिन आज केंद्र सरकार एक ऐसी योजना लाई है जो नो रैंक नो पेंशन है और एक तरीके से संविदा भर्ती के रूप में 4 साल के लिए युवाओं को एक छलावे के तौर पर एक योजना में सैन्य भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के जिला कार्यालय सभा कक्ष में जनपद की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि केदारनाथ धाम सहित मद महेश्वर तंगुनाथ की भी यात्रा जारी है, जिसको लेकर यात्रा व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। वहीं अब मानसून सीजन शुरू हो रहा है, इसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से अभी तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही मीडिया कर्मियों ने सिरोबगड़ से लेकर नरकोटा खाकरा तक हाईवे की खराब हालत से जिला अधिकारी को अवगत करवाया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। ये 2 साल यात्रा प्रभावित रही थी कोविड के बाद और इस साल 2022 में अभी करीबन 55 दिन हुए हैं यात्रा को प्रारंभ हुए और 8.25 लाख तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम में दर्शन कर लिए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें सभी हमारे विभागों ने, साथ ही हमारे जो व्यापार मंडल हैं या जो होटल एसोसिएशन है, थोड़ा कच्चर संचालक हैं, सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग किया है। टिहरी में चंबा ब्लॉक में बीडीसी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीडीसी के सदस्यों ने मनरेगा के कामों को पूरा न होने और समय पर भुगतान न होने का आरोप लगाया। इसके बाद टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि निर्देश देने का अधिकार केवल अध्यक्ष को है, मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूं।
अगर हम नकदी फसल और बागवानी जैसे चीजों पर केंद्रित कर विकास करते हैं तो टिहरी विधानसभा सबसे सुखी और सर्वोत्तम जगह बन सकती है। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। चंबा ने हमको एक नया रास्ता दिखाया है, एक सुपथ दिखाया है। चंबा और जो मसूरीवारी फलपट्टी है उसने नकदी फसलों के रूप में, उसने जो है बागवानी के रूप में, उसने होम स्टे के रूप में आज वो पर्यटन का सबसे अच्छा हब बन गया है। तो उसी तरह से हर गांव जो है वो स्वयं में सेल्फ सफिशिएंट हो, सस्टेनेबल हो। चमोली के थराली बाजार में मंगलवार देर शाम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने शेड्यूल एक्स, नारकोटिक्स और साइकोलॉजिकल दवाओं का भी औचक निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान सभी मेडिकल स्टोर्स के स्टॉक, बुक, लाइसेंस, दवाइयों से संबंधित रजिस्टर और एक्सपायरी डेट की दवाओं को भी चेक किया गया। साथ ही टीम ने मेडिकल स्टोर संचालकों को हिदायत देते हुए कहा कि बिना डॉक्टर के परामर्श से किसी को भी दवाई न दी जाए। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश थे जिसमें सभी मेडिकल दुकानों की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें हमारे साथ चिकित्सा टीम थी, पुलिस की टीम थी और प्रशासन की टीम थी। इसके द्वारा नगर थराली क्षेत्र में सभी मेडिकल दुकानों की जांच की गई। इसमें शेड्यूल एक्स और शेड्यूल एस की दवाइयों के संबंध में जाँच की गई, तो कोई भी ऐसी प्रतिबंधित या नारकोटिक्स दवा का विक्रय होना नहीं पाया गया। और इस संबंध में कुछ दुकानों में स्टॉक रजिस्टर मेंटेन ही था, जिसमें दुकानदारों को स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने, एक्सपायरी दवाइयों को अलग रखने और उनको सही से डिस्पोज करने के लिए। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 11 बाइकों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों ही युवक नशे के आदि हैं और नशे की पूर्ति के लिए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी चोरी की बाइकों को यूपी में बेचा करते थे। वहीं SP सिटी मनोज कुमार कत्याल ने खुलासा करते हुए बताया कि कुछ समय से रुद्रपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों से बाइक चोरी की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने रोड चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों ने बताया कि वह चोरी की बाइकों को शेरगढ़ में बेचते थे। वहीं अब पुलिस चोरी की बाइक खरीदने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये चोरी जो है, इन्होंने ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर और सरहदी जनपदों से भी चोरियां की हैं। इसमें तो अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें एक ऋतिक है, एक सूरज और एक रजनीश है। ऋतिक पर 3 मुकदमे हैं, सूरज पर 5 और जो रजनीश है उन पर पहले से ही 7 मुकदमे पंजीकृत हैं। और इनके जो पूर्व बाकी आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी की जा रही है। और साथ में इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है, अकेले में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी उसको टारगेट करते थे, नशे के ये लोग आदि हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेसियों ने कालाढूंगी तहसील में धरना दिया, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव महेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम युवाओं के लिए उत्तम नहीं है, 4 साल की सेवा में युवा क्या कर पाएंगे। वहीं कांग्रेसी नेता ने कहा कि 4 साल की भर्ती योजना से युवाओं का शोषण करने के लिए साजिश रची जा रही है। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना जो भारत सरकार ने लागू करी है, निश्चित रूप से हमारे युवा साथियों के साथ एक बहुत भद्दा मजाक है। 4 साल की सेवा, 4 साल की सेवा में वो युवा साथी जो हमारे फौज के लिए तैयार होते थे वो 4 साल में क्या कर पाएंगे, ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। भारतीय जनता सरकार, पार्टी सरकार को ये बात नहीं हजम हुई, उन्होंने उसको अग्निपथ का नाम दे करके 4 साल के लिए सेना में भर्ती का जो प्रावधान रखा है, ये हमारे देश के, हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अपमानजनक है। विकास नगर के हरबटपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के शिमला बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक DCM ट्रक के साथ बाइक सवार की सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार मृतक का नाम संजू बताया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सारी गलती बाइक सवार युवक की थी। हालांकि पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। आगे जिसने हाथ ऐसे रखा हुआ था करके ना, ऐसे अरे ऐसे रखी, ज्यादा स्पीड में था लड़का। अच्छा, लड़का लोकल ही है कोई यहाँ का?
तो आप वहीं पे खड़े हुए थे क्या? ना, मैं इनके पीछे पीछे था। अच्छा, आप पीछे पीछे थे? हाँ, थोड़ा यहीं थे, मैं यहीं दस से यहीं था सामने। तो एक्सीडेंट होते हुए आपने देखा? सामने, हाँ बिल्कुल सामने था, वहाँ सामने था। एक मिनट का भी फर्क नहीं लगा होगा। क्या लगता है आपको, किसकी गलती रही होगी? गलती बाइक वाले, रॉन्ग साइड गया। क्या स्थिति है बाइक वाले की? बाइक तो वो तो एक्सपायर हो, ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। पौड़ी में मानसून ने अभी तक पूरी तरह से दस्तक नहीं दी है, लेकिन बरसात ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश से चाकीसैंण तहसील के अंतर्गत सुनार गांव समेत 3 गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल बह गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चाकीसैंण तहसील के अंतर्गत हुई 5 घंटे की मूसलाधार बारिश से पश्चिमी नयार नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद 3 गांव के करीब 80 परिवारों को कच्चे पैदल पुल से आवाजाही करनी पड़ रही है। जिलाधिकारी पार्टी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि तहसील प्रशासन से नुकसान का आकलन करवाकर वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीण के लिए की जा रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहसील में सुनार गांव, कठूड और कृषाल ग्राम पंचायतों को एक जो पुल पैदल पुल जोड़ता था वो बह गया है कल रात की वर्षा में। उसको देखते हुए हम लोग अभी संबंधित तहसील से रिपोर्ट हमने प्राप्त किया है और शीघ्रता से उस कार्य को करने के लिए हम लोगों ने ग्राम विकास विभाग को निर्देश दे दिया है। उसका जैसे ही उसका तैयार हो जाता है वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा और आमजन के सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा। उत्तराखंड के मसूरी में भारी बारिश के चलते मलबा आने के कारण पर्यटकों की कार मलबे में दब गई। वहीं बरसात से पहले नाले न खोलने के कारण मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हुआ। वहीं भारी बारिश से देहरादून मसूरी मोटर मार्ग पर भट्टा गांव के समीप एक पर्यटक की कार मलबे में दब गई, जिसके कारण सड़क पर जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी लगाकर मलबा साफ कर यातायात सुचारू किया। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। रात का समय है, लोनी में दरा जेसीबी मशीनें लगाई जा रही है, जहां पे भी सूचना आ रही है मलबा ने की, तो लोनी में तुरंत जेसीबी भेजकर मलबा सफाई कर रहा है। अब खबर रुद्रपुर के उद्धम सिंह नगर की है, जहां आधा दर्जन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में हुआ। वहीं आरपीएफ की टीम ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं का उत्पीड़न कर रही है। इस योजना से देश का युवा नाखुश है। अग्निपथ योजना को जबरन लागू किया तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उद्धम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज उसी क्रम में आज हम लोग रेलवे स्टेशन में आकर सांकेतिक विरोध करना चाह रहे थे। हमारा उद्देश्य केवल सांकेतिक विरोध कर सरकार को चेतावनी देना था और हम कहना चाहते थे कि अगर जल्दी अग्निपथ वापस नहीं हुआ तो हम बड़े स्तर पर प्रदेश भर में ट्रेनें रोकने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हमने कोई ट्रेन नहीं रोकी, हमारी वजह से कोई 1 मिनट भी ट्रेन डिले नहीं हुई, लेकिन हिटलर शाह सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। देखिए अग्निपथ। अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया। इसके मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा का प्रशिक्षण जारी है, ताकि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की कार्यकलापों को रख सकें। इसके अलावा जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणियों का भी प्रशिक्षण किया जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है। चुनाव की दृष्टि से हमने कुछ समय के लिए इसको रोका था। अभी हमारे 6 जिलों के प्रशिक्षण हो गए हैं, बाकी के प्रशिक्षण अब शुरू हुए हैं। इसके बाद प्रदेश का प्रशिक्षण भी कुमाऊं में ही होगा, 11, 12, 13 तारीख में होगा। इसके बाद विधायकों का प्रशिक्षण होगा, उसके बाद हमारे अन्य चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा।
राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने राशन वितरित किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ उठाते हैं और पात्र लोगों का हक छीनते हैं। ऐसे लोगों को टिहरी DSO ने 30 जून तक अपना राशन कार्ड जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अगर 30 जून के बाद कोई अपात्र इस योजना का लाभ उठाते मिला तो उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। 1200 अंत्योदय कार्ड और 2500 से ज़्यादा NFSA कार्ड और 700 के लगभग APL कार्ड राज्य खाद्य योजना के जमा हुए हैं। और क्योंकि अभी आपको बताएं कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है, अर्थात थम लगाकर ही राशन लाभार्थियों को वितरित किया जा रहा है, और इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी, कुछ छोटी दुकानें थी, तो लगभग 11 दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा त्याग पत्र दिया है। इसके अलावा अभी क्योंकि 30 जून तक का टाइम दिया गया है, 30 जून तक कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से कार्ड जमा कराना चाहता है वो जमा करा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नई चीता मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। इस दौरान CM धामी ने प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड बैरक का भी शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को संबोधित कर कहा कि उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस के नाम से पूरे देश में जानी जाती है, जो पूरे देश में इनकी अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि ये जो भवन का निर्माण कार्य हो रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई शिकायत ना हो, इसको लेकर DPR के 5% पैसे को बढ़ाने का भी प्रावधान दिया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्मार्ट पुलिसिंग, अच्छी पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस इस दिशा में लगातार काम कर रही है और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं, आज जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बनाया है, क्वार्टर गार्ड का भवन बनाया है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए, केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए, अगर उसमें उस DPR में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जी द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में हमारे प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवानों के भवन आधुनिक सुविधा युक्त होने चाहिए और जवानों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे जल्द हाजिर। बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करें के अगली खबर का। हरिद्वार में साइबर ठगों ने अब तक अलग अलग विभागों के कई अधिकारियों को अपनी ठगी का निशाना बनाया है। अब इन ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये ठग ज्यूडिशरी से जुड़े सीनियर अधिकारियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार में सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर हरिद्वार जिला कोर्ट में कार्यरत एक जज को ही चूना लगा दिया। मामले में ठगी का शिकार हुए जज की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सिडकुल थाना पुलिस ने बताया कि जिला कोर्ट रोशनाबाद में ADJ तृतीय के पद पर तैनात जज साहब ने शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि रविवार को उनके पास हाईकोर्ट के परिचित जज का पैसे ट्रांसफर करने का मैसेज आया था। जज ने उन्हें तत्काल 1.5 लाख रुपए के गिफ्ट वाउचर ट्रांसफर करने को कहा। मैसेज भेजने वाले ने मीटिंग की व्यवस्था का हवाला भी दिया, इसीलिए उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। बाद में पता चला कि हाईकोर्ट के जज ने किसी पैसे की कोई डिमांड नहीं की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के साथ ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में हर साल की तरह इस बार भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बारिश शुरू होते ही श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाती थी, लेकिन इस साल भारी मात्रा में श्रद्धालु चार धामों के दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि अब तक 25 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। यहां पर हर दिन करीब 4 से 5 हजार तक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। वहीं येलो अलर्ट चलते लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये सर्वविदित है कि इस वर्ष जो भारी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में उमड़े हैं और ये रिकॉर्ड संख्या है और आज तक उम्मीद है कि 25 लाख की संख्या पार कर जाएगी श्रद्धालुओं की। और जैसा कि जून माह के अंत तक यात्रा काफ़ी धीमी हो जाती थी बरसात के कारण से भी और बच्चों के स्कूल खुलने की तैयारियों को लेकर के भी, तो लेकिन इस वर्ष फिर भी जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में प्रतिदिन लगभग 5-6 हजार के आसपास यात्री औसतन अब भी आ रहे हैं। 30 जून तक राशन कार्ड धारक अपना राशन ले सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि समस्त कार्ड धारक राशन वितरण प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ाने, बीच की समस्या को रोकने के लिए कई सुधार कार्य किए गए हैं। इसके अंतर्गत समस्त कार्ड धारक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिन उपभोक्ताओं ने जून का राशन नहीं लिया वह 30 जून तक अपना राशन ले सकते हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अपने उपभोक्ताओं जो कस्टमर्स हैं जो NFSA कार्ड धारक और APL कार्ड धारक, उनसे अपील करना चाहूँगा कि जून माह का राशन अभी भी दुकान पर अवेलेबल है। आप अपने जून माह का जिन लोगों ने नहीं लिया राशन वो आके ले सकते हैं 30 जून तक। और इसमें आवश्यक होगा बायोमेट्रिक से ही हम राशन बांट रहे हैं इस बार, तो अपनी बायोमेट्रिक लगवा कर ही राशन लेना आप सुनिश्चित करेंगे। प्रदेशवासियों को जल्द ही EFIR की सुविधा मिलेगी। इस पर घर बैठे ही लोग FIR दर्ज करवा सकेंगे। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कही। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस सुविधा में सबसे पहले वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में EFIR होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करवा सके। EFIR से आम जन को बहुत सुविधा होगी। व्यक्ति को FIR दर्ज करवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाए जाने की जरूरत है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। देहरादून से अवनीश जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MK न्यूज़। नमस्कार।